किड्स स्टाइल क्रिस्पी समोसे। वीडियो में सारी टिप्स और ट्रिक्स शेयर की हैं और स्पेशल आलू का मसाला बनाया है जो बहुत ही टेस्टी है। जानने के लिए वीडियो को एंड तक फॉलो कीजिएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूँ वर्षा। तो चलिए समोसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आटा गूंदकर तैयार करेंगे। एक बोल में लें 1 कप मैदा, आधा चम्मच अजवाइन हाथ से दबाकर डालें। इससे फ्लेवर तो आएगा ही, साथ ही हाजमे के लिए अच्छा रहेगा। 1/4 चम्मच नमक। सभी इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे। दो बड़े चम्मच देसी घी। घी डालने से समोसे खस्ता बनेंगे। इसे मैदे में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैदे का कलर चेंज हो जाएगा। हाथ में उठाकर देखेंगे तो ये जुड़ने लगेगा। ये स्टेप फॉलो करना जरूरी है। इसे शॉर्टनिंग यानी मोइम करना कहते हैं। इसी के कारण समोसे खस्ता बनेंगे। इस टाइम आप नोटिस करेंगे कि मैदे का टेक्सचर ब्रेड क्रम की तरह लगेगा। चौथाई कप पानी। पानी संभल कर डालिए। अगर ज्यादा डल गया तो समोसे सही नहीं बनेंगे। मिक्स करके मीडियम टाइट आटा गूंद कर तैयार करें। आधे घंटे के लिए ढककर रखिए। जब तक आटा रेस्ट करेगा, चलिए आलू का स्पेशल मसाला बनाकर तैयार कर लेते हैं। कढ़ाई में लेंगे 1 चम्मच तेल, 5 से 6 उबले हुए आलू हथेली के बीच में दबाकर डालें, जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है। गैस इस वक्त हाई फ्लेम पर है। इसे ऐसे ही रहने दें जब तक इनमें एक साइड से कलर ना आ जाए। आलू चाट बनाने के लिए आलू टिक्की को रोस्ट करते हैं, वैसे ही करना है। इन्हें पलट देंगे, दूसरी साइड से भी कलर आने दें। ऐसा करने से मसाले में बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। समोसे जब खाएंगे तो लगेगा कि आलू चाट खा रहे हैं। इन्हें प्लेट में निकाल कर थोड़ी देर के लिए अलग रखें। कढ़ाई में वापस से 1 चम्मच तेल डालें, 1/2 चम्मच जीरा, 1 चम्मच साबुत धनिया। इन्हें 1 मिनट के लिए भूनेंगे। जीरा रोस्ट हो जाएगा। इसमें तैयार आलू डालें, चम्मच से दबाकर छोटे छोटे पीसेस में कट कर लें। मैश नहीं करना है, छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। अब इसमें मसाले डालेंगे। 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच काला नमक, 1/2 चम्मच गर्म मसाला, 1 चम्मच चाट मसाला, 1 चुटकी हींग। इसे तेल में न डालकर बाद में डाला है ताकि मसाले में फ्लेवर बना रहे। गैस का फ्लेम धीमा कर दें। इसे थोड़ा भूनेंगे ताकि मसाले का कच्चापन निकल जाए। 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा। आलू का मसाला बनकर तैयार है। गैस का फ्लेम बंद कर दें। इसे प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। मसाले को प्लेट पर फैला दें कि अच्छी तरह ठंडा हो पाए। गर्म ही भर दिया तो समोसा मुलायम हो जाएगा, जो खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। 1/2 घंटा हो गया,
तूने काफी रेस्ट कर लिया। आटे को उठाकर देखेंगे तो टेक्सचर चेंज लगेगा, ये पहले से काफी टाइट लगेगा। इसी तरीके का आटा गूंद कर तैयार करिएगा, तभी समोसे परफेक्ट बनेंगे। आटे को लंबा करके इसके पेड़े बनाएं, 8 से 9 पेड़े बनेंगे। प्लेट से ढककर रखिएगा, वरना इनके ऊपर पपड़ी जैसी बन जाएगी। एक पेड़ा लेकर गोल शेप दें, इसे बेलिए जैसे कि रोटी बेलते हैं, ना ज्यादा मोटा ना बहुत ज्यादा पतला। बेलते टाइम अगर जरूरत लगे तो थोड़ा मैदा यूज कर सकते हैं। वैसे मुझे यूज नहीं करना पड़ा क्योंकि आटा एकदम परफेक्ट है, आसानी से बेला जा सकता है। चाकू की मदद से बीच में से काटेंगे ताकि 2 बराबर हिस्से हो जाएं। इन्हें प्लेट पर रख लें। समोसे की पट्टी बनकर तैयार है, कपड़े से ढककर रखिएगा। सभी पेड़ों को बेलकर इसी तरह से काट लेंगे। मसाला और एक बोल में थोड़ा सा पानी है। समोसा पट्टी के एक किनारे पर हल्का सा पानी लगाएंगे, जैसा वीडियो में दिखाया गया है, ताकि तलते टाइम समोसे खुल ना जाएं। इसे कोन का शेप दें, यहाँ से जोड़ा है वहाँ से दबाकर सील करें। इस तरह कोन तैयार हो जाएगी। दो चम्मच मसाला डालें, ज्यादा मसाला फिल ना करें, वरना तलते टाइम समोसे खुल जाएंगे और सारा मसाला बाहर आ जाएगा। किनारों पर पानी लगा लें, दोनों किनारों को जोड़ देंगे, नीचे दबाकर अच्छी तरह से बंद करें। समोसा बनकर तैयार है, इसी तरह सभी समोसे तैयार कर लेंगे। फ्लेम पर गर्म किया है, एक एक करके समोसे डालें। एक बार में कढ़ाई में जितने आ जाएं उतने डालिएगा। मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करें, जब तक कलर चेंज ना हो जाए। एक साइड से फ्राई हो जाए तो पलट देंगे। अच्छा कलर आया है। पेपर नैपकिन या टिश्यू पेपर पर निकालें, बचे हुए समोसे इसी तरह से फ्राई करें। आवाज से अंदाजा लगा लिया होगा कि बहुत क्रिस्पी बने हैं, अंदर से परफेक्टली कुक हुए हैं। सर्व करने के लिए प्लेट में लिया है दही, ऊपर से रखिए इमली की चटनी
और तैयार समोसे चाय के साथ एंजॉय कीजिए। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। फ्यूचर में भी इसी तरह के वीडियोस चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन नजर आएगा, उसे दबाइए। पास में ही दिखेगी एक घंटी, उस घंटी को भी दबा दीजिए। घंटी को दबाने से ये होगा कि मैं जब भी नया वीडियो डालूंगी तो आपके पास आएगा नोटिफिकेशन और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।